हे गाइस, तो स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर शो चल रहा है एंड गाइस हमारे स्टार्टिंग शो की है ट्रिपल एच ने। एंड ट्रिपल एच आते ही रिंग में कहते हैं कि दिस इज द स्टेडियम, आई विल स्टार्टिंग फर्स्ट मैच अगेंस्ट रॉक। एंड रॉक का उन्होंने नेम लिया है, तो क्या बोला रॉक भी आ जाए। तो गाइस अभी शो चल रहा है तो मैं देख रहा हूँ पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मैच जो है गाइस वो हुआ सोलोस को एंड कोडी रोड्स का। एंड गाइस ये आपको पता था कन्फर्म मैच है, मैच बहुत अच्छा था, मूव्स बहुत अच्छे लगाए गए। एंड कोडी का थोड़ा सा मतलब सिर भी हो गया था बस्ट, लेकिन गाइस इतना कुछ था नहीं। मतलब डब्ल्यू पता है आपको उस लेवल पे नहीं लेके जाती चीज़ों को। तो गाइस डब्ल्यू ने परफेक्टली मैच बिल्ड किया, परफेक्टली बनाया मैच। एंड गाइस कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, ना सोलो की टीम आई ना कुछ आया, लेकिन इस मैच में यार जो मूवमेंट थे ना परफेक्ट थे। एंड ओजी ट्राइबल चीफ के नारे लग रहे थे, मतलब जो फैंस कह रहे थे रिटर्न ओजी ट्राइबल चीफ। एंड गाइस मैच में कोडी रोड्स ईजिली जीत गए, दे विन ईजिली दिस मैच। एंड आफ्टर द मैच ब्लड लाइन अटैक कोडी रोड्स एंड डिस्ट्रॉय, मतलब जेकब फाटू ने जो हाई फ्लाइंग एक्शन दिखाए ना वो अलग लेवल थे। एंड जेकब फाटू इज राइट नाउ फेसिंग रोमन, आई थिंक मुझे तो लग रहा है ये चीज़ होगी बहुत जल्दी। एंड गाइज तभी हमारे ओ टी सी ट्रैवल जीप का सॉन्ग बजता है, वो आते हैं अंदर और भाई साहब केज को बंद कर लेते हैं। टामा टोंगा एंड टांगा लियो अटैक करते हैं, लेकिन उन पर भी अटैक हो जाता है, लेकिन बाद में सोलो स्क्वाड अटैक करते हैं। जब सोलो स्क्वाड को सुपरमैन एंड पेन लगता है, स्पेयर लगने वाली होती है, तभी वो भाग जाते हैं। एंड रोमन ने सीधे सीधे जेकब फाटू को कहता आया बेटा तू रिंग में आया, मैं तुझे बताता हूँ। एंड दैट इज इम्पॉसिबल थिंग, द वेयरवुल्फ एंड द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ फेस टू फेस वन रिंग, लेकिन सोलो स्क्वाड बाहर खींच लेते हैं। एंड कोडी रोड्स हेल्प करते हैं रोमन रेंज की, गाइज कोडी रोड्स हेल्प रोमन रेंज, कोडी रोड क्रॉस रोड लगाते, क्या पता कोडी रोड्स हेल्प करें रोमन रेंज की, रोमन ने हेल्प करें कोडी रोड्स की। यहाँ से एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, बिकॉज द रीजन रोमन इज राइट नाउ अ फेस स्टार एंड ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है, लेकिन जो न्यू ट्राइबल चीफ उसके पास वो माला है, जिसको माला जाएगी वो ट्राइबल चीफ बनेगा। एंड उसके बाद हमें नेक एल्डर्स देखते हैं, नेक एल्डर्स सीधी सी बात कहते हैं दिस इज माय शो, इसमें कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं तबाह होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो मैं इससे देखता हूँ एंड अपने प्राइवेट मतलब जो होता है ना उनका रूम वहाँ पे जाकर बात करता हूँ। तो गाइस बहुत सी चीज़ें होने वाली। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट मैच हुआ वुमेंस का मैच था, जिसमें वुमेन डिवीजन की मतलब दो फीमेल रेसल फाइट कर रही थी मिया जेम एंड हमारी गाइस जो हैं पाइपर नेविस। इस मैच में पाइपर नेविस हार चुकी हैं, मिया जेम विक्ट्री ले चुकी हैं। एंड गाइस ये जस्ट फिलर के लिए मैच था, बिकॉज पिछले स्मैकडाउन में मिया जेम पे अटैक कर दिया था पाइपर नेविस ने और उसके कारण चेल्सी ग्रीन जीती थी, तो इसलिए उन्होंने डाल दिया इस मैच को। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं ऑस्टिन थ्योरी, रो वैंडम, मिकी ग्रेरो भी देखने को मिली, जो आपको पता है स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर रह चुकी है मोस्ट हेटेड पर्सन। एंड गाइस हमें वो भी देखने को मिली गए गुंथर रिंग के अपने बंदे के साथ आए हुए थे, आपको पता ही है लुडी गाइजर के साथ रिंग के इधर साइड बैठे हुए थे। एंड गाइस हमें देखने को मिला है रैंडी ऑर्टन ए टाउन डाउन एंड हमारे केविन ओवंस। तो पहले कहते हैं कि केविन ओवंस मेरा फ्रेंड किसी मतलब इशू के कारण आ नहीं सकता क्योंकि फ्लाइट इशू है, लेकिन बाद में वो एक बंदे को बुलाते जिसका नाम रिकी होता है। लेकिन गाइस जब वो कमेंट्री कहती है ना फनी मोमेंट, वो आ गया लेकिन वो स्टनर लगाते उस बंदे को, रिकी नाम था किसी मतलब रेसलर का, तो उसे स्टनर पड़ता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन रिंग में एंड इनका मैच हो जाता है। तो ये मैच स्टार्ट होता है, मैच बहुत अच्छा था, परफेक्टली मूव्स लगाए गए थे, सब कुछ अच्छा था रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस के लिए। एंड गाइस इस मैच में पूरी टक्कर दी ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसर वॉलर ने, लेकिन गाइस इस मैच में लास्ट में हमारी जीत मिल गई केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन की टीम को। एंड भाई दोनों ने विंटेज डीडीटी भी लगाई, दोनों ने आरक्यू एंड स्टनर भी लगाया। दिस इज अ परफेक्ट मैच गाइस, रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस को टैग टीम में ढाला जा रहा है, बिकॉज अ रीजन परफेक्टली एक बंदा स्टनर यूज़ कर रहा है, एक रैंडी ऑर्टन यूज़ कर रहा है आरक्यू, एंड इन्हें ब्लड लाइन के खिलाफ उतारा जाएगा फॉर टैग टाइटल्स मैच के लिए, एंड इन्हें टैग टीम में ही रखा जाएगा क्योंकि गाइस यहाँ से ये साफ चल रहा है दिस इज अ टैग टीम मैच, इज परफेक्टली मेकिंग फॉर एस्टैब्लिश केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन टैग टीम। तो ये था एंड तो लास्ट में तो ग्रेसन वॉलर को हारने के बाद थपथपाया भी रैंडी ऑर्टन ने कि बहुत अच्छी जॉब की तुमने एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। एंड जो थे विकी गैरो आए थे उन्हें भी दिखाई मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, केविन ओवंस ने कहा थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो उसके बाद गाइस हमें देखने मिलती है नेक्स्ट बैक स्टैंड निक एल्डर्स कहते हैं टैग टीम मैच कन्फर्म हो चुका है बैड ब्लड के लिए, सोलो स्क्वाड ने चैलेंज किया है। सो गाइस उसके बाद बैकस्टेज हमें निक एल्डर्स देखने को मिलते हैं, निक एल्डर्स के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है बैड ब्लड का, एंड उन्होंने कहा सोलो एंड जेकब फाटू ने चैलेंज किया है रोमन एंड कोडी रोड्स को फॉर अ टैग टीम मैच एट बैड ब्लड, और दोनों ने साइन कर दिया है, लेकिन मैं साइन करवाने वाला हूँ कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज से। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं मैं डन हो चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज अ रोमन रेंज प्रॉब्लम, तो उसी से जाके पूछो। एंड मुझे लगता है यहाँ पर जिमी उसो का रिटर्न कन्फर्म है, बिकॉज जिमी उसो का रिटर्न होगा एंड टैग टीम मैच होगा जिमी उसो रोमन रेंज जेकब फाटू वर्सेस
हमारे सोलो स्क्वाड बैड ब्लड एंड दैट इज कन्फर्म। आई थिंक मुझे यहाँ से यही स्टोरी लाइन लग रही है, क्योंकि मेन इवेंट में जिमी उसो का रिटर्न ही डालेंगे ये, आई थिंक रॉक नहीं आएंगे मुझे लग रहा है। बाकी देखो अब क्या होता है नेक्स्ट। उसके बाद देखने मिली नया जैक्स का, तो गाइस उसके बाद में यही चीज़ देखने मिलती है कि हमारी नया जैक्स एंड टिफनी स्टेटस रिंग में आती है, दोनों मतलब बात कर रही होती हैं, बेली उन्हें इंटरप्ट कर देती है। बेली कहती है कि टिफनी स्टेटस मैंने जो पिछले लास्ट वीक हराया था एंड यू लॉस्ट द मैच अगेंस्ट मी, एंड गाइस मतलब दोनों में इतना कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं। लेकिन गाइस नियोमी आ जाती है एंड एक और चीज़ बढ़िया से बैड ब्लड में मैच होगा, इनका नेक्स्ट वीक के लिए मैच कंफर्म हो गया है स्मैकडाउन में। जो जीतेगा नियोमी एंड बेली एंड नाया जैक्स एंड टिफनी में, वो चैलेंज करेगा बैड ब्लड में मैच अगेंस्ट नाया जैक्स फॉर टाइटल मैच। एंड गाइस अगर जो हारा तो उसे गाइस एक पेनल्टी मिलेगी, वो स्मैकडाउन लीव कर देगा। एंड आई थिंक या बेली या मुझे लगता है कोई ना कोई लीव करेगी, एंड बैड ब्लड में आपको बेली एंड नाया जैक्स का ही मैच देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ रीज़न यही मैच की पॉसिबिलिटी बन रही है, रीमैच चाहिए बेली को एंड उनका मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है निकालडस। निकालडस कहते हैं रोमन आफ्टर द मैच खुद आएंगे बोलने की उनका मिस्ट्री पार्टनर कौन है। आई थिंक मुझे लगता है जिमी उसो होंगे, बिकॉज जिमी उसो के आने रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एंड जिमी उसो पर अटैक भी किया था हमारे सोलोस को आने, तो आई उसके बाद में देखने को मिला अंद्रादे वर्सेस हमारे कार्मेलो हिल्स का मैच एंड डेमियन प्रीस्ट भी थे स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर पे। एंड गाइस ये मैच बहुत अच्छा था, परफेक्ट था। एंड गाइस आपको पता है दो दो की बराबरी हो गई थी, लेकिन थर्ड मैच होना था वो फाइनल कंटेस्टेंट का होना था, जो जीता वो एल ए नाइट को चैलेंज करता। तो गाइस इस मैच में अंद्रादे जीत गए, उन्होंने अपना ब्लड फोर्स लगा दिया ऊपर से, मतलब टॉप रोप से लगाया एंड दे विन द मैच एंड दे आर अ न्यू नंबर वन कंटेंडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। एल ए नाइट ने आगे प्रोमो भी कट किया, उन्होंने सिंपल सी बात कही तू नेक्स्ट है बैड ब्लड में, एंड अब मैं तुझे बताऊंगा कि आई एम द यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, आई एम द बेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एवर। एंड ये मैच भी कंफर्म मांग लो बैड ब्लड में, एंड दिस इज अ स्मैकडाउन जहाँ पर ये चीज़ हुई है। एंड अंद्रादे और कार्मेलो हार चुके हैं, अंद्रादे जीत चुके हैं, एंड नाउ दिस इज अ मेन इवेंट राइट नाउ फॉर अ ट्राइबल चीफ। वो आएंगे और वो बोलेंगे उनका मिस्ट्री पार्टनर कौन होना। तो गाइस उसके बाद हमें निक एल्डस हुए आते हुए दिखते हैं रिंग में, एंड निक एल्डस आते हैं रिंग में एंड कहते हैं कि राइट नाउ आई कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ मैं, तो ट्राइबल चीफ आते हैं ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। एंड वो आगे सीधे सीधा निक एल्डस से माइक मांगते हैं, निक एल्डस कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं माइक दे, माइक देते वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डब्ल्यूडब्ल्यूई से, दिस इज माई कंपनी, दिस इज माई रिंग एंड दिस इज माई शो। एंड वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है किसी से भी नहीं। उन्होंने एक चीज़ कही उला फला माला हो या ना हो, आई एम ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, आई एम द ओनली ट्राइबल चीफ इन दिस बिजनेस, दिस इज माई ब्लड लाइन बिजनेस, दिस इज माई फैमिली बिजनेस। और ये जब चीज़ें कहते हैं कि ब्लड लाइन और फैमिली का बिजनेस है और ये ओनली चीज़ है जो मेरी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हो जाती है कि ब्लड लाइन का सबसे ख़तरनाक सेगमेंट होता है लास्ट में, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन गाइस सेगमेंट बहुत अच्छा था। जब जो कोडी रोड्स कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, वो आता है रिंग में और कहता है दिस इज़ योर रिंग, दिस इज़ योर शो, बट एट द रसलमेनिया 40 की उसने 40 में कोडी रोड्स ने हरा दिया था। वही चीज़ कहते हैं वो कि तेरा शो तब तक था जब रसलमेनिया 40 में मैंने तुझे हरा नहीं दिया, उसके बाद इस माई शो। एंड गाइज तभी ब्लड लाइन के मेंबर्स आते हैं, अटैक करते हैं, वही चलता है और आपको पता कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो ही जाती है। तो बैड ब्लड में आपको मैच देखने को मिलेगा कोडी टीम अप विद रोमन रेंज एंड हमारे जेकब फार्मर एंड सोलो स्क्वाड, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है। एंड गाइस यहाँ से रॉकी की स्टोरी लाइन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने वो कहेंगे कि तूने हेल्प क्यों ली ब्लड लाइन के बाहर के बंदे से, और बिजनेस अब स्टार्ट होगा एंड होता है यहाँ पर शो। एंड भाई साहब अटैक भी हुआ लेकिन कोडी है, तो गाइस यहाँ पे शो खत्म हो जाता है एंड दिस एंड ऑफ द शो। एंड कोडी रोड्स हमारे टीम अप कर चुके हैं रोमन रेंज के साथ, एंड बैड ब्लड में इनका मैच कन्फर्म है अगेंस्ट ब्लड लाइन जेकब फार्मर एंड सोलो स्क्वाड। दिस इज द स्मैकडाउन रिव्यू, और वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो, रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना। थैंक यू सो मच।